सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और ये वाली वीडियो हमारी एक गेम प्ले वीडियो होने वाली है BGMI टेस्ट के ऊपर। तो हम आईफोन XR में अपने HD प्लस एक्सट्रीम टेस्ट करने वाले हैं iOS 15.6 अपडेट के बाद। तो देखते हैं कि लैग होता है या फिर नहीं लैग होता है। एंड मैं इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट भी बना चुका हूँ iOS 15.6 अपडेट के बाद। तो वो आप अगर देखना चाहते हो तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिंक, तो वो आप देख सकते हो। एंड गाइज हम BGMI PUBG टेस्ट कैसे करने वाले हैं वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आप लोगों को। तो गाइज हम BGMI टेस्ट ऐसे करेंगे कि मैं 1 आवर तक खेलूंगा HD प्लस एक्सट्रीम पे यानी कि 60 FPS पे, और साथ साथ में आपको टाइम भी दिखाता रहूंगा और बैटरी भी दिखाता रहूंगा कि कितनी परसेंट हमारी बैटरी ड्रॉप हो रही है, और लैग वगैरह होगा तो वो तो आपको दिख ही जाएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और कुछ चीजें बताऊंगा जो कि iOS 15.6 के बाद अच्छी हुई है और कुछ चीजें बेकार हुई है। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना अगर आप देखना चाहते हो आईफोन XR का BGMI टेस्ट 2022 में, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। और अगर आप सोच रहे हो आईफोन XR 2022 में लेने का, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखो अब। और गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया और 1 घंटे तक हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगी ताकि बिल्कुल परफॉर्मेंस निचोड़ ले अच्छे से और हमको पता चल जाए कि हमारा आईफोन XR कितना ज़्यादा अच्छा चल सकता है। एंड गाइज साथ साथ में आपको हैंड कैम भी दिखता रहेगा और आप यहाँ पे मेरी बैटरी भी देख सकते हो और टाइम भी देख सकते हो। और गाइज यहाँ पे हमारी बैटरी हो रही है 78% और टाइम हो रहा है 4 यानी कि 4 बज रहे हैं। और अभी हम HD प्लस एक्सट्रीम BGMI टेस्ट शुरू करते हैं अपने आईफोन XR में। तो अब गेम प्ले को इंजॉय करो। पीछे से बंदा आया देख के, अबे तू है कि मेरे को लगा मार मार ओपी बढ़िया मार दी फिनिश से। यहीं पे दिल के चक्कर अच्छा नाम दे रहा है ये बाद में नाम देता। ऑसम इसको देख रहा था मैं। नीचे वाले पे जाना है, नीचे वाले पे आने हाँ हुआ मेरे में भी हुआ। तो गाइज यहाँ पे हमें खेलते हुए 24 मिनट हो चुके थे, आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। और यहाँ हमारी बैटरी हो गई थी 61%, और यहाँ पे हमारा टाइम भी देख सकते हो 4:24 हो रहा है। और गाइज यहाँ तक तो मेरे को इतना कुछ खास मेरे को डिफरेंस दिखने नहीं मिला, बिल्कुल स्मूथ ही चल रही थी गेम। एक बार बस मेरा FPS ड्रॉप हुआ था 24 मिनट में, और वो भी कुछ ज़्यादा FPS ड्रॉप नहीं हुआ होगा, 1-2 FPS ही ड्रॉप हुआ, जो कि नॉर्मल सी बात है 15.6 अपडेट के बाद। और लैग वगैरह तो कुछ भी देखने नहीं मिल रहा था। तो अभी आगे का गेम प्ले इंजॉय करो। I need consumables. Cover to aage na. I got supplies. Dekhe ye andar building mein. Enemies ahead. दो बंदे ऊपर। Enemies ahead. दो बंदे भाई, दो बंदे ऊपर। Awesome. वाला रिवा भी रहे इंटर भाई, चार बंदे भी रिवा ले कोई। Awesome. ले आकड़ा देखो तो पौधा हूँ अच्छी दम बैठ। अभी किस डेयर में लगी रिपोर्ट वेलेंगा लंदन के। Marked a location. अबे अब क्या वहीं पे रहो, वहीं पे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। तो गाइज यहाँ पे मैं और मेरा टीममेट मरते मरते बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा टीममेट हो जाता है नॉक और मेरा सेटिंग्स बटन पे गलती से हाथ चला जाता है, जैसे कि आपने देख लिया होगा। लेकिन तब भी मैं सामने वाले को फिनिश कर देता हूँ। एंड अभी यहाँ पे आप बैटरी देख सकते हो, 56% हमारी बैटरी हो चुकी है और टाइम यहाँ पे हो रहा है हमारा 4:32।
और यहाँ पे आप हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, 31 मिनट की हो चुकी है। तो गाइस 32 मिनट्स में HD प्लस एक्सट्रीम iOS 15.6 अपडेट के बाद हमारी बैटरी गई 22%। तो ये तो मेरे को पहले जैसे ही लगा, जितनी हमारी स्मूथ एक्सट्रीम पे जाती थी उतना ही मेरे को लगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी स्मूथ एक्सट्रीम में भी 20-21% या फिर 22% तक ही बैटरी गिरती है आधे घंटे में, और इसमें भी सेम ही हो रहा है HD प्लस एक्सट्रीम पे भी। तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एंड अभी आएगा गेम प्ले करते हैं और एक घंटे बाद में आपको फुल रिव्यू बताता हूँ इसका। रुक जा बंदा है, प्रेफिन इनके हैं इनके। तो गाइस यहाँ पे हमें खेलते हुए 45 मिनट से ज़्यादा हो चुके होते हैं और हमारी बैटरी हो जाती है 44%, यानी कि 45 मिनट्स में हमारी बैटरी गई 34% के आसपास। एंड गाइस ये मेरे को नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल स्मूथ एक्सट्रीम के जैसे, क्योंकि मेरे को लगा था कि HDR एक्सट्रीम पे हमारी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी, और HDR एक्सट्रीम पे तो बहुत ज़्यादा ही बैटरी ड्रेन होती है। तो मेरे को लगा था कि HDR एक्सट्रीम पे भी ड्रॉप होगी हमारी बैटरी, लेकिन उतनी बैटरी ड्रॉप नहीं हो रही थी हमारी एज़ कम्पेयर टू HDR प्लस एक्सट्रीम। और अभी आगे देखो, उसके बाद में अपना पूरा एक घंटे बाद पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना। गलत मार रहा है, ESP टाइप से मार रहा है। कहाँ से मारा था इसको? एक काम करो और गाइज यहाँ पे हम लोग मर जाते हैं, हमको हैकर मार देता है दोनों टाइम आके। एंड आज का तो हमारा बैड लक ही खराब होता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कितनी बैटरी ड्रेन हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 35% मेरी बैटरी हो रही है, और टाइम भी यहाँ पे देख सकते हो 4:59 हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट एक घंटा हो ही चुका है हमको। एंड गाइज यहाँ पे हमारी एक घंटे में बैटरी यहाँ पे HDR एक्सट्रीम iOS 15.6 के बाद ड्रॉप हुई है 43-45%। एंड मेरे को लगा था कि कुछ ज्यादा ही बैटरी ड्रॉप होगी, लेकिन उतना कुछ बैटरी ड्रॉप नहीं हुआ, और लैग वगैरह भी मेरे को कुछ भी नहीं फील हुआ। एंड फ्रेम ड्रॉप की बात करें तो मेरे को एक आधा का ही फ्रेम ड्रॉप देखने मिला था, बट लैग वगैरह कुछ देखने नहीं मिला, ना टच इशू देखने मिला। एंड गाइस iOS 15.6 के बाद जो इन लोगों ने एक चीज खराब की है वो है इनकी बैटरी लाइफ, की बैटरी लाइफ कम हो चुकी है, मतलब की बैटरी ड्रेन ज्यादा हो रही है BGMI खेलने पे, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन गाइस एक चीज जो की काफी अच्छी हुई है, जो की लैग नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह हो रहे हैं एक आधे का ही, लेकिन लैग नहीं हो रहा है बिल्कुल भी हमारा गेम। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को iOS 15.6 पे हमारे iPhone XR पे। और गाइस जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई हमको कैशिफाई और OLX सेकेंड हैंड आईफोन XR लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो उन लोग के लिए वीडियो जल्दी आने वाली है इस टॉपिक पे। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना, क्योंकि कभी भी वो वीडियो आ जाएगी चैनल पे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना हमारी वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। वैसे डिसलाइक किसी को दिखता नहीं है, तो करने का भी कोई फायदा नहीं है। और चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। यहाँ पे हमारा नॉट सब्सक्राइब परसेंटेज देख सकते हो कितना कम है, तो यार सब्सक्राइब जरूर से मारो। आप बार बार वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और मजेदार वीडियो में। अगर आप सोच रहे हो कि सेकेंड हैंड आईफोन XR लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो आपको आई बटन पे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि मैंने उस पर बनाई हुई है, कि क्या बैटरी हेल्थ होनी चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए। तो वो वीडियो आप देख लेना अगर आप सोच रहे हो आईफोन XR सेकेंड हैंड लेने का। एंड बाकी कैशिफाई और OLX पे तो वीडियो सुन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।